आज सुबह का ब्रेकफास्ट है दाल पूरी और काबली चना का सब्जी। अभी हम लोग खाएंगे। भाई ये बंद करना चाहिए तो ते ही देखो देखो जी। बेटी अभी अभी सो के उठी है, मैं आधा घंटा हुआ उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:30। आज थोड़ा जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज है थर्सडे और सुबह का 9:30 बज रहा है। तो मम्मी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई है दाल पूरी और काबली चना का सब्जी। मैं आधा घंटा हुआ उठ चुकी हूँ और अभी मुझे आज थोड़ा सा मार्केट एक्चुअली जाना है, मुझे बैंक में काम है। तो पता नहीं, देखते हैं जाऊँगी या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना, मन नहीं कर रहा है, पर ज़रूरी है जाना क्योंकि कल हो जाएगा फ्राइडे। समय मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई आज थोड़ा फ्री है तो फिर बोला कि आज चलो ले जाता हूँ और फिर सैटरडे को। हाँ जाऊ जी, मैं बैठी चो जाऊ जी। तो फिर सैटरडे को पता नहीं छुट्टी होगा कि क्या होगा बैंक। और बट सावित्री का पापा तो ला दिए हैं साड़ी, बस थोड़ा बहुत और बाकी जो चीज़ है उसको लाना है मुझे। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि आप जाके लेके आओ, वो सब मैं चुनने नहीं सकूँगी। ब्लाउज वगैरह भी चाहिए होगा, रेडीमेड ले लेते हैं इस बार क्योंकि कॉटन साड़ी है। और साथ में ना चूड़ियाँ वगैरह जो ज़रूरत होता है सब कुछ मम्मी लेके आएगी, वो शाम को भी चल जाएगी। पर बैंक का काम है, मुझे अभी जाना है, मतलब इसी टाइम जाना है। धूप बहुत ज़्यादा है, पता नहीं, देखते हैं। अगर जाऊँगी आप लोग को भी लेके जाऊँगी। वो लोग खाने बैठ, हाँ जाऊँ जी बैठो, वो लोग खाने बैठ गए, मैं भी चलती हूँ खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। बहुत पानी है, बहुत पानी है चित्र। फ्रेंड्स मैं अभी चलती हूँ, लंच करने के बाद रेस्ट करूँगी, फिर आप लोग से डायरेक्ट शाम को मिलूँगी क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है अभी मेरा। गुड इवनिंग। ये शाम का स्नैक्स में मम्मी घर पर बना दी है हम लोग के लिए। बारा है जो कि पूरा बाजार जैसा दिख रहा है। ये पहला एक दो, फिर बाद में ये जो अच्छा वाला निकला वो है। देखिए यहाँ पर बैठकर खाएगी। नहीं खाएगी तो किटर है। ये मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, पूरा मार्केट जैसा बना है, खुशबू बहुत अच्छा रहा है। साथ में मैंने चक्कर भी देख लिया, बहुत टेस्टी बना है और बेटी का तो बहुत ही पसंद का चीज़ है। जितना भी तला भुना बोले सब में से उसको बड़ा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और मम्मी हम लोग के लिए और फ्राई कर रही है और जो बचेगा ना कल दही बड़ा बनाएगी, दही भल्ला बनेगा क्योंकि खाना है तो बस माँ बेटी को हम लोग को, और भाई आएगा तो खाएगा, मम्मी पापा नहीं खाएंगे। और भी बेटर है यहाँ पर। प्रतीक भी रहा है मार्केट जैसा। छोड़ ना सही घास लगुला बोली पुक लगे ना टिके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ हम लोग का बगान में। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है और बादल पूरी तरह से छाया हुआ है, पानी भी गिर रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस बार हम लोग का बगान में क्या क्या सब्जी निकला है। एक बैंगन था, कल पापा सब कुछ ले गए हैं, भिंडी बोदी वगैरह, और अभी कुछ कुछ है, बहुत कुछ वैरायटी पौधा भी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और हम लोग का बगान में काम भी चल रहा है, मतलब साफ़ सफाई का दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का बगान में साफ़ सफाई का काम चल रहा है, इधर से पूरा साफ़ सफाई हो रहा है। इधर अमड़ा का है और आम, और साथ में यहाँ पर कोहड़ा है, कोहड़ा का छोटा छोटा फल भी आ गया है ये देखिए। और भिंडी भी है नीचे, भिंडी भी है उधर, और साथ में कोहड़ा करेला है। फूल तो आप लोग पहले ही देख चुके थे और दिखाती हूँ। और इधर लोग का गाय मन भर के घास खा रही है, और साथ में ये है आंवला। और ये देखिए ये जो साग है मुझे बहुत पसंद है। अरे जा जा,
ये जो साग है ना मुझे काफ़ी पसंद है। और नींबू का कितना छोटा छोटा फल आ गया है इधर, और साथ में कुछ साग निकला था इधर, भाजी साग निकला था, वो अभी पुराना हो चुका है, नहीं खाया जा सकता है। और साथ में ना मैं आप लोग को अच्छा चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर बैंगन का है और उधर भी बैंगन, बोदी, भिंडी, ये सब है। पापा रोज आके थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं, जो कि हम लोग का घर का काम चल जाता है। उधर कुंदरी होता है ना वो है, और केला है, साथ में आम भी है, और जामुन है, बहुत सारा है। और साथ में यहाँ पर देखिए ये है तेजपत्ता यानी बेल लीव्स का पौधा, और यहाँ पर चंपा है, बहुत कुछ है ऐसे। हर साल ना पापा यहाँ पर नया नया पौधा लगवाते हैं, पर क्या होता है कि कुछ पेड़ का छांव में ख़राब हो जाता है और कुछ रहता ही है। और मुझे डर लग रहा है कि गाय हम लोग कहीं इधर ना आ जाए, तो बार बार इधर ही देख रही है गाय। और पर पापा बोल रहे हैं कि वो दूर बंधा हुआ है, आ नहीं सकती है। तो पानी भी गिरना शुरू हो गया है, मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर काली माता का मंदिर है भैया लोग के घर में, काली पूजा टाइम पिछले साल आई थी मैं, और मैं अभी देखने आई थी। सुबह से ही पापा को बोल कर रखी थी मुझे आना है, पर लेट उठती हूँ ना इसलिए नहीं आ पाती हूँ। पापा काम करवा रहे हैं, साफ़ सफाई का काम इधर चल रहा है, पूरा बादल बादल है ना इसलिए मौसम सही नहीं है, तो क्लियर नहीं लग रहा है कैमरा। और मैं यहाँ पर बैठकर सबको वीडियो कॉल करके दिखा रही हूँ उन लोग का बगान में क्या क्या है क्या नहीं। तो कुछ देर तक बैठूँगी क्योंकि यहाँ पर खटिया पापा मंगाए हैं, तो यहाँ पर बैठूँगी और कुछ टाइम बाद चली जाऊँगी। और गांव में जो होता है हम लोग का, यहाँ ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो साउंड की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है। मैं भागते भागते बागान से आ गई क्योंकि पानी 2000 बूंद गिरने लगा ना, तो भींग जाऊंगी, तो इसी चक्कर में भाग के आ गई। और मुझे मन था कि आप लोग को और दिखाऊं, क्योंकि पीछे तरफ और जामुन वगैरह, शरीफा, बहुत कुछ था, वहाँ अमरूद का भी पेड़ था, बहुत सारा था। तो दिखाने का मुझे, क्योंकि ये सब शौक ना बड़ी ज़ोर शोर का चढ़ा हुआ है कि मैं हमेशा शौक करती हूँ कि पेड़ पौधा रहे, फूल रहे, ये सब का मुझे बहुत शौक है। तो गई थी देखने, हर बार आती हूँ देखने जाती हूँ, पर इस बार साफ़ सफाई का काम और कुछ दिन चलेगा, उसके बाद जब पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, अगर तब तक रहूँगी तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। और कल मैं नहीं जा पाई ब्लैंक, क्योंकि भाई बोल रहा था उसका ऑफिस में जो एक स्टाफ है काम करते हैं, तो वो सब बैंक काम करने में धुरंधर है, तो जाने का ज़रूरत नहीं है। दीदी तुम अपना डॉक्यूमेंट्स दे देना, हो जाएगा काम, तो फिर जाने का ज़रूरत नहीं है। पापा बोल रहे थे धूप में जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्या काम कराना है बोलो मैं करा दूँगा। तो चलिए अच्छा है कि मुझे धूप में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कल हो गया भाई के साथ धमाका, मतलब झगड़ा, उसे अक्सर होता रहता है, जब तक भाई के साथ झगड़ा होता रहे ना तब तक आपको लगे कि हाँ चलो जैसे थे वैसे हैं। और आज नहीं, हमेशा से ही मेरे साथ ऐसे ही वो लड़ता रहता है और मैं भी उससे लड़ती रहती हूँ, ऐसे हम लोग हाथापाई तक बात चल जाता है, ऐसे झगड़ा होता है। तो जो भी जब तक उससे झगड़ा होता रहे ना अच्छा लगता है, मतलब झगड़ा होते टाइम अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, पूरी तरह से एकदम युद्ध हो जाता है। उसके बाद जब वो रिटर्न आके दीदी दीदी बोलकर बात करना शुरू करता है ना, तब अच्छा लगता है। तो पहले हमेशा वही बात करता है जो भी है, फिर मनाने का कोशिश भी करता है, वो भी अच्छा लगता है। तो पर पूरी तरह से झगड़ा हुआ, मतलब बोल भी नहीं सकती आप लोग को कितना जोर शोर का। पर हर बार आती हूँ, हर बार जितना दिन रहूँगी उस बीच 2-3 बार तो होगा ही होगा झगड़ा। जो भी है, ब्लॉग छोटा सा था, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में नए होंगे तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो कहीं पर कर देते हैं एंड, नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक लेटे केयर, बाय।